हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिक यूट्यूब पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया और इंग्लैंड के बीच में खेले जा रहे सेकंड टेस्ट मैच को लेकर। ये दोस्तों सेकंड टेस्ट मैच की बात करें तो थर्ड एम्पायर द्वारा एक बड़ी गलती हुई है। अजिंक्य रहाणे आउट थे लेकिन उनको नॉट आउट दिया गया, तो इतनी बड़ी गलती थर्ड एम्पायर द्वारा कैसे हो सकती है, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आता तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी दोस्तों, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंडिया की बात करें तो 84 के स्कोर पर 3 विकेट गिर गए थे। उसके बाद में अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा के बीच में एक बढ़िया पार्टनरशिप लगती है जिसकी बदौलत इंडिया एक बढ़िया पोजीशन पे पहुंचती है। लेकिन जब रोहित शर्मा की बात करें तो 150 प्लस का स्कोर करने के बाद में जैक लिस्ट की बॉल पर कैच आउट हो जाते हैं। उसके जस्ट एक ओवर बाद में जैक लिस्ट फिर से जब बॉलिंग करने आते हैं तो अजिंक्य रहाणे के खिलाफ कैच की अपील होती है। जी दोस्तों, शॉर्ट लेग पे कैच की अपील होती है लेकिन जो ऑन फील्ड अंपायर है वो नॉट आउट देते हैं। इसके बाद में जॉय रूट रेफरल लेते हैं। ये दोस्तों, रेफरल लेने का नियम ये है कि थर्ड अंपायर को सभी कंडीशन चेक करनी होगी, जितनी भी पॉसिबिलिटीज रहती है वो सभी की सभी चेक करनी होती है। क्या ये नो बॉल है या नहीं, इसके अलावा क्या ये LBW है, कैच आउट है या फिर बोल्ड, कोई भी आउट की जो पॉसिबिलिटीज है वो सभी चेक करनी होती है रेफरल लेने के बाद में। लेकिन जब कैच का जो रेफरल लिया जाता है तो अंपायर ये सिर्फ ये चेक करता है कि क्या ये बैट को टच करके बॉल गई है या नहीं। तो ये पक्का था कि अजिंक्य रहाणे के बैट को टच करके वो बॉल नहीं गई थी। तो इसके बाद में अंपायर तुरंत नॉट आउट देता है, वो ना तो LBW के लिए चेक करता है और ना ही वो चेक करता है कि कहीं ग्लव्स को टच करके तो बॉल नहीं गई है। तो ऐसे में ये दोनों कंडीशन वो चेक नहीं करता है। तो जो इंग्लैंड के प्लेयर है वो फिर जो ऑन फील्ड अंपायर है उनको बोलते हैं कि अंपायर ने LBW क्यों नहीं चेक किया। तो फिर वो LBW जब चेक करते हैं तो वो लेग स्टंप की जो लाइन है उनको मिस कर रही थी। तो ऐसे में रहाणे LBW तो क्लियर नहीं थे, तो उसके बाद में भी वो तुरंत नॉट आउट दे देते, ना ही वो चेक करते कि ग्लव्स को टच करके बॉल गई है या फिर नहीं। और इंग्लैंड की बात करें तो रिव्यू भी गवा देते हैं। लेकिन जब कुछ समय बाद में जब रिप्ले आता है टीवी पर तो वहां पे पता चलता है कि अजिंक्य रहाणे के ग्लव्स को बॉल टच करके गई थी। जी दोस्तों, क्लियर अजिंक्य रहाणे के ग्लव्स को टच करके बॉल जा रही थी। तो ऐसे में वो पक्के कैच आउट थे लेकिन अंपायर की बात करें तो उन्होंने चेक ही नहीं करा कि ग्लव्स को बॉल टच करके तो कहीं नहीं जा रही है। तो ऐसे में अजिंक्य रहाणे को वो नॉट आउट दिए गए। लेकिन जब बाद में अंपायर थर्ड अंपायर को भी पता चला कि बॉल ग्लव्स को टच करके जा रही थी तो उन्होंने जो इंग्लैंड के प्लेयर है उनको रेफरल वापस दे दिया गया। जी दोस्तों, इंग्लैंड की टीम को रेफरल तो वापस दे दिया गया लेकिन अगर अजिंक्य रहाणे एक बड़ी इनिंग खेलते तो ये अंपायर की एक बड़ी गलती गिनी जाती। लेकिन अजिंक्य रहाणे की बात करें तो उसके बाद में सिर्फ एक रन ही बना पाए और मोइन अली की बॉल पर बोल्ड हो गए। तो ऐसे में अजिंक्य रहाणे उसके बाद में ज्यादा रन नहीं बना पाए इसलिए ये इतना हाईलाइट नहीं हुआ। लेकिन अगर रहाणे एक बड़ी इनिंग खेल लेते तो ये एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती थर्ड अंपायर के द्वारा। तो वीडियो में यही अपडेट थी कि अंपायर के द्वारा इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।